चाहिए तो लीक तोड़नी होगी, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। जो कभी सरकार के चेहरे हुआ करते थे उनका खुद का चेहरा बुझा बुझा सा था। रविशंकर प्रसाद बुझे बुझे दिख रहे थे, प्रकाश जावड़ेकर के चेहरे से प्रकाश गायब था, हर्षवर्धन के चेहरे का हर्ष हाशिए पर चला गया। कल तक जो सरकार के कवच कुंडल थे, मंत्रिमंडल विस्तार में उनका ही बंटा धार हो गया। बड़ा बेरहम निकला। दरबार हॉल में नए कानून मंत्री किरण रिजिजू शपथ ले रहे थे तो पुराने कानून मंत्री रविशंकर खामोशी से बदलते वक्त को निहार रहे थे। तब तक शायद हर्षवर्धन को भी क्या पता था कि जो कुर्सी वो पीछे छोड़ आए हैं उस पर थोड़ी देर बाद मनसुख मांडविया पधारने वाले हैं। और प्रकाश जावड़ेकर को भी कहां मालूम था कि जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय के वो सेनापति थे उसकी शोभा अनुराग ठाकुर बढ़ाने वाले हैं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर। मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए, पर क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। सवाल है कि आखिर रविशंकर प्रसाद से ऐसी क्या खता हो गई कि उन्हें बाहर का दरवाजा देखना पड़ा? प्रकाश जावड़ेकर ने क्या गलती कर दी कि उन्हें यूं कैबिनेट से रुखसत हो जाना पड़ा? कुछ वजहें जो सामने दिख रही है उससे तो यही लगता है कि कोरोना संकट का सामना करने में नाकामी हर्षवर्धन को ले डूबी। ट्विटर से दो दो हाथ करना रविशंकर प्रसाद को महंगा पड़ गया। कोरोना काल में सरकार की इमेज में सेंध का खामियाजा जावड़ेकर ने चुकाया। रमेश पोखरियाल निशंक की नई शिक्षा नीति पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कोरोना काल में मजदूरों का पलायन संतोष गंगवार को भारी पड़ गया। उम्र के पैमाने पर थावरचंद गहलोत को राजभवन का रास्ता दिखा दिया गया। बाबुल सुप्रियो न मंत्री के तौर पर दिल्ली में चमक बना पाए और न बंगाल में ही कुछ करिश्मा कर पाए। रमेश पोखरियाल निशंक जो 23 साल बाद जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हुए और उनको भी नकार दिया गया क्योंकि उनके कार्य करने की जो शैली थी वो प्रधानमंत्री के साथ मिसमैच करती थी। उनकी परफॉर्मेंस से जो है प्रधानमंत्री वो खुश नहीं थे। संतोष गंगवार बहुत कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के कुर्मी हैं, रुहेलखंड से आते हैं और साथ ही साथ जो है वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी सरकार वन में भी मंत्री रहे और अब भी थे लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफे की बात आ रही है। संजय धोत्रे महाराष्ट्र से आते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री थे। रतनलाल कटारिया ऐसी फेस है, हरियाणा से आते हैं, 4 बार के सांसद थे लेकिन उनकी छुट्टी करके जो है सुनीता दुग्गल को लाया गया है हरियाणा से, महिला हैं और तेज तराज नेता हैं, IRS रही हैं, पहली बार चुनाव लड़ा और जीती हैं। मोदी ने जोर का झटका धीरे से दिया। कल पूरे दिन मंत्रिमंडल में एंट्री पाने वालों की पौबारा होती रही। शपथ ग्रहण समारोह से थोड़ी देर पहले इन मंत्रियों को विदाई का पैगाम थमा दिया गया लेकिन माना ये भी जा रहा है कि चौंकाने वाले फैसले करते रहे पीएम मोदी जल्द ही चौंकाने वाले कुछ और फैसले करेंगे। जिन्हें सरकार से रुखसत किया गया है उन्हें संगठन में इज्जत दी जाए। मंत्रिमंडल विस्तार में तो नब गए, बीजेपी के विस्तार में इनकी बड़ी भूमिका तय हो जाए।